महत्वाकांक्षी योजना के तहत छोटे बच्चों में जागरूकता को लेकर खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य है कि छोटे बच्चों में अभी से खाद्य सुरक्षा और खाद्य से जुड़े हुए उन पहलुओं के प्रति उनमें जागरूकता लाई जा सके, जिससे वह समाज को भी जागरूक करने में अपना अहम योगदान दे सकें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया, ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जो FSI के माध्यम से हो रही है, जिसमें हम लोग ईट राइट एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम लोग फेज 4 पे चल रहे हैं इस समय। उसी के अंतर्गत ये स्कूलों विद्यालयों में बच्चों जो शरारती बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है खाद्य सुरक्षा से जागरूकता के संबंध में, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद, स्लोगन प्रतियोगिता ये सब इत्यादि हम लोगों ने करवाया है, जिसके माध्यम से बच्चों के माध्यम से समाज में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारियाँ और उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसे संबंध में जानकारियाँ बच्चों को दी जा रही हैं। क्या बिंदु रखे गए हैं जिससे जागरूकता है लोगों में, लोगों स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी जो बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे रंगीन खाद्य पदार्थों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। हम लोग का पहला बिंदु ये है कि उन बच्चों को इस तरह रंगीन और अधिक चीनी और अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों से रोकने के लिए बच्चों को जागरूक किया जाए। इसके द्वारा हम लोग का प्रथम कार्य यही है कि बच्चों को हमको पहले उनको इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक किया जाए कि वो भ्रम में पड़ के रंगीन खाद्य पदार्थ न खाएं, जिससे उनको स्वास्थ्य को कभी नुकसान हो सकता है। जागरूकता जो रैली निकाली जाएगी, कंपटीशन जागरूकता रैली कहाँ कहाँ तक जाएगी? देखिए, जागरूकता रैली हम लोगों ने टीम ने विभाग ने टीम डिसाइड किया है। हम लोग अभी इनको सिनेमा चौराहा से शहर के विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग लेके